आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला में समिफ समराइजेशन फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल सम का फॉर्मूला लगाता हूं और हम यहां मान लीजिए एच कॉलम में ले लेते हैं तो पूरा एच कॉलम का सम आता है, लेकिन मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट का सम चाहिए। जैसे एमबी का टोटल चाहिए या मुझे एचडी का टोटल चाहिए या फिर मुझे रैम का टोटल चाहिए, इस तरह से यहाँ पे टोटल आना चाहिए जो कि हम लोग समरी वगैरह में यूज करते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सिंगल कंडीशंस हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा सम इफ, मतलब सम विद कंडीशन, क्योंकि सम ओवरऑल देता है लेकिन सम मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट मतलब कि कंडीशंस, सम विद कंडीशन, यहाँ पे हम सम इफ लेते हैं। सम इफ के तीन चीज मांगता है, पहला रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज मतलब किसमें क्राइटेरिया, कंडीशन किसमें लगाना है, तो हमने बोला मुझे प्रोडक्ट में कंडीशन लगाना है, तो हमने प्रोडक्ट के कॉलन या प्रोडक्ट के रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर बात होती है क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि इसके अंदर में क्या कंडीशन लगानी है, तो हमने बोला कि इसमें मुझे एमबी का टोटल चाहिए। अब बात करते हैं सम रेंज की, किसका टोटल चाहिए, तो हमने बोला मुझे यहां पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, ये हमें टोटल आ गया। मैं दोबारा बताता हूं, हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ। सम इफ में हम देंगे सबसे पहले रेंज, फिर देंगे क्राइटेरिया, फिर देंगे सम रेंज, सॉरी गलत हो गया, सम इफ पहले है आपका रेंज जिसमें हम क्राइटेरिया को मैच करेंगे, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज जिसमें हम सम लगाएंगे। सम इफ क्लियर है? अब सम इफ में होने वाले कुछ ए है मतलब कि रूल्स है, उसको देखिए। जैसे कि मुझे यहां पे मुझे यहाँ पे उस क्वांटिटी का टोटल चाहिए जो ग्रेटर देन 60 है, तो जो ग्रेटर देन 60 है उन सारे क्वांटिटी को ₹5 पर क्वांटिटी हमें इंसेंटिव देना है या फिर मुझे इसमें क्या बोलते हैं डिस्काउंट देना है, तो ओवरऑल कंपनी में कितना देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम सम इफ लगाएंगे, सम इफ, और हम जाएंगे रेंज, हमारा रेंज कौन सा है क्वांटिटी, और क्राइटेरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आ गया टोटल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वल टू एक्स मार ग्रेटर देन होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल, तो 9357 है, हमने 5 से मल्टीप्लाई के रिजल्ट आ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं जैसे 50 से बड़ा चाहिए, 60 से छोटा चाहिए, इस तरह से है, तो कैसे करेंगे ताकि मैं ड्रैग कर सकूं, तो इसमें हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ हम जाएंगे ओ कॉलम क्वांटिटी में और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ या जो भी आपका ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के साथ हम इसको मर्ज कर लेंगे और फिर इसको नीचे तक टोटल कर देते हैं। ओके, देखिए गौर किया होगा कि इससे पहले जो मैं सम इफ लगाया उसमें तीन चीजें हैं, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, लेकिन इसमें हमारे पास दो ही है, ऐसा आपने ध्यान दिया होगा इसमें आपका जो रेंज क्राइटेरिया और यहाँ सम रेंज जो दिख रहा है वो बड़ी ब्रैकेट में है, और मैंने फॉर्मूला के दूसरे दिन ही बताया था कि अगर एक्सप्रेशन में अगर कर्ल स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट में है इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि सम रेंज और डेटा रेंज एक ही है, इसलिए मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमने यहाँ पे ग्रेटर दिया, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं।
इसमें एक चीज और भी आती है, जैसे कि मान लीजिए सिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सिटी में हमारे पास जयपुर है, तो यहाँ पे कहीं पे कहीं कहीं पे दिल्ली है और कहीं कहीं पे हमारा न्यू दिल्ली है। अब प्रॉब्लम में आ गया कि जहां न्यू दिल्ली, अगर मैं मान लीजिए न्यू दिल्ली को टोटल करता हूं तो दिल्ली का टोटल नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे सम इफ लगाया और सम सम इफ लगाया और सम इफ में मैंने दे दिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज, और हमने यहां पे दे दिया अपना क्राइटेरिया और यहां पे हम दे दिए अपने सम रेंज, यहां पे दिल्ली का टोटल आया, न्यू दिल्ली का टोटल नहीं आया। तो यह तब आएगा जब आप इसके आगे पीछे स्टार लगा देंगे। स्टार लगा दिए तो ये आपका दिल्ली भी ले लेगा और न्यू दिल्ली भी ले लेगा। जब मान लीजिए एक और दिल्ली देता हूं मैं यहां पे, देखिए बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ स्टार लगा दिया, इसका मतलब है कंटेंड विद। अगर हमने यहां पे स्टार और दिल्ली दिया तो हो जाता है एंड विद, और दिल्ली दिल्ली और स्टार लगाया तो हो जाता है स्टार्ट विद। तो कंटेन एंड विद एंड स्टार्ट विद, एंड विद मतलब हुआ कि दिल्ली से पहले कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में दिल्ली होना चाहिए। और यहां पे क्या है, स्टार्ट विद की पहले दिल्ली होना चाहिए, उसके बाद दिल्ली रोड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस दिल्ली होना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, सर तीन बार क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मतलब है कि तीन डिजिट। अब जैसे कि यहां पे देखिए कि हमारे पास HD और MB है, मतलब कि हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड है, तो मुझे दोनों का टोटल चाहिए, SSD भी है, तो मुझे उन प्रोडक्ट का टोटल चाहिए जिसका कोड दो दो डिजिट में है। तो मैं सिर्फ दो बार क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यहां पर लिखूंगा सम इफ, और सम इफ में हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, क्राइटेरिया में हम दस डबल कोट्स लेकर दो क्वेश्चन मार्क सिलेक्ट कर लेते हैं, और सम रेंज जो है हमारा ये है। रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क ये आपका हो गया। ये तो चलो सिंगल कंडीशन थी, अगर मेरे पास डबल कंडीशन हुआ तब क्या होगा। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे T2 का MB का टोटल चाहिए, T2 MV। अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तो आप यूज कर सकते हैं,
तो यहां पे हम प्रॉब्लम यहां पे देखते हैं सम इफ्स। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम बात करते हैं सम इफ्स की। श्री शर्मा जी आप लेट हो गए हैं, हमने आपको इंतजार किया था, अभी क्लास खत्म होने का वेट कीजिए। तो सम इफ्स और यहां यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। पहले आपको सम रेंज देना होगा कि आखिर सम किसका करना है। अब यहां पे हमारा क्राइटेरिया वन, पहली क्राइटेरिया हमारा नेम है। तो हम नेम को सिलेक्ट करते हैं। दूसरी क्राइटेरिया रेंज हमारा प्रोडक्ट है और हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा। ठीक है, तो इस सम इफ्स वाले फॉर्मूले में ये बाकी चीज भी कर सकते हैं। हमने एक कंटेन लगाया है, ग्रेटर देन लेस देन दिया है, कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मुझे यहां पे चाहिए T2MB का टोटल जो ग्रेटर देन 60 की क्वांटिटी में है, तो मैं यहां पे सम इफ्स लगाऊंगा। पहले मैं सम रेंज दूंगा, फिर क्राइटेरिया वन रेंज जो कि नेम है हमारा, फिर क्राइटेरिया वन दूंगा, फिर क्राइटेरिया टू रेंज दूंगा, फिर क्राइटेरिया टू दूंगा, फिर क्राइटेरिया थ्री लूंगा और क्राइटेरिया थ्री दूंगा। रिजल्ट आपके सामने। तो ग्रेटर देन 60 वाला कोई नहीं है T2 के MB में। हमारी 19 को मान लीजिए मैं 50 ही कर देता हूं, तो यहां पे क्वांटिटी नेम में Sum ifs में हमें देना होता है पहले सम रेंज। सम रेंज हमने इफ कॉलम दे दिया, इसका सम करना। दूसरा होता है पहली क्राइटेरिया। पहली क्राइटेरिया में मैं T2 को सिलेक्ट कर लिया। दूसरी क्राइटेरिया से हमारा प्रोडक्ट है, हमने MB को सिलेक्ट कर लिया। तीसरी क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है एच कॉलम में क्वांटिटी और क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 60। आ गया रिजल्ट 255। ठीक है, तो जैसे हमने सम इफ लगाया वैसे काउंट इफ एवरेज इफ भी हम लगा सकते हैं। तो एक बार श्री शर्मा जी की एक प्रॉब्लम है उस पर देखते हैं, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है, सीखने को मिलेगा आपको। तो एक बार उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ श्री शर्मा जी, आपने मेल किया है मुझे? मेल तो आपकी नहीं आई हुई है सर। हाँ ये आ रहा है सैलरी।
सीजनवा जी सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ ठीक है, बस मैच और इंडेक्स से प्रॉब्लम है, एक बार देखते हैं। ये बोला कि मैच सी टू एंड सी सिक्स, फ्रॉम द सी टू ओके, इनके पास ये डेटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड है और सारा चीज है, स्ट्रक्चर्स है। तो यहां पे इनका टोटल चाहिए, साहब ने लगा तो रखा है इसमें, अच्छा इन्होंने एरे लगा रखा है। जी आप ऑनलाइन नहीं है क्या? तो अप्लाई क्यों नहीं करते मुझे आप? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। अच्छा क्या क्या करना है इस फाइल में बताइए। कहाँ पर ऑप्शन रखने लगा इसमें? हाँ कहाँ डेटा में इंसर्ट करते हैं या फिर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं? सीट टू में आप बोलते हैं मैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ना, सी टू में मैंने इंसर्ट किया तो कहाँ दिक्कत आई? सब तो चल रहा तो हेडिंग से ऊपर करेंगे तो दिक्कत होगा ना सर, हेडिंग से ऊपर करेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। नहीं अभी भी कहाँ दिक्कत है, सब तो ठीक है। ऊपर इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपने ऑफसेट में दिया हुआ है सी टू वन ए वन दिया हुआ है, मैच में अभी ए भी किया हुआ है बी बी बाई बी। हाँ मैं ए जो आपने ऑफसेट में दिया हुआ है इसको आपने फ्रीज कर दिया है सर, सी टू में जो आपने दिया हुआ है इसको आपने फ्रीज किया हुआ है। अगर फ्रीज ना करें फिर कंट्रोल से एंटर करते हैं। अब मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं लाइन, अब चेंज नहीं हो रही है, समझ में आया? हाँ मैं इसके ऊपर इंसर्ट करता हूं, चेंज हो गया। तो फिर आपको ए टू को यहां ए टू जो किया हुआ है, एक मिनट, इससे पहले भी ए टू ही था?
इसको हम ए वन करते हैं, ए वन कर दिया। अब मैं यहां से डिलीट करता हूं, तो सर पहले आप बना लें उसके बाद फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला लगाने के बाद क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? जैसे यहां पे अगर मैंने इंसर्ट किया, यहां पे इंसर्ट आपने किया, तो यहां देखिए A2, यहां पे आपका A2 हो गया। एक मिनट, आपने लगा भी तो रहा था, एरे को लगा रखा है आपने इसमें। आपको क्या करना है, आपको ये ना एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग आपको बेसिक एचआर ये चाहिए C2 से ना। हाँ अच्छा, स्ट्रक्चर में ओल्ड है तो ओल्ड और करेंट है तो करेंट, तो आपको मत अच्छा था, आपने एक कॉलम इंसर्ट नहीं किया और आपने ऑफसेट मैच का इस्तेमाल कर दिया इसमें। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप सभी लोग देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब मैं इसको एक अलग सीट पे डेटा रखता हूँ और यहाँ पे मैं एक देता हूँ फॉर्मूला और इस सीट को भी कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये जो आपने एरे लगाया है, एरे लगाने पे आपको दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको डिलीट मार देता हूं और ये देखिए फॉर्मूला आपका लेट रिस्पॉन्स कर रहा है ना, क्योंकि एरे लगा हुआ है, इस कारण से आपका रेट रिस्पॉन्स करता है। हाँ तो मैं क्या करूंगा बताता हूँ, आपको कंडीशन ये है, आपको कंडीशन ये है कि मुझे इसमें करेंट वाला करेंट और ओल्ड वाला ओल्ड में आना चाहिए, और आपने डेटा शीट में फीच स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पे दे रखा है करेंट और ओल्ड का, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक नया कॉलम ऐड करूंगा स्टार्टिंग में, और मैं एम्प्लॉय कोड को कॉन्कैटेनेट कर दूंगा डैश लगा के, किसमें, उसके फीस स्ट्रक्चर में, मतलब उसके स्ट्रक्चर में, ताकि एम्प्लॉय कोड ओल्ड और न्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड डुप्लीकेट है ना, वो यूनिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेटा शीट पे मैं आऊंगा और यहां मैं वी लुकअप लगाता हूं। वी लुकअप में मैं यहां पे एम्प्लॉय कोड लिया और इसके साथ हमने कॉन्कैटेनेट कर दिया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। टेबल में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और यहां पे फील्ड हमारा मान लीजिए कि बेसिक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 6.0 कर देता, बेसिक आ गया मंथली, ठीक है। अब इस 6 को भी ऑटोमेट करना है तो मैं यहां पे मैच लगा दूंगा, ताकि नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो आसानी से ड्रैग हो जाएगा। बेसिक और यहां पे सीट 3 में गया, इसको चेंज किया कॉमा 0। अब मैं डेटा में एक नया रो ऐड करता हूं, ऊपर न्यू पे जाता हूं, मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ, यहां चेंज हो गया बट मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ, समझ गया। एक मिनट जाइए, और करेंट C6 को फ्रीज करना होगा, कहाँ पे माइनस की बात कर रहे थे आप,
यहां पे देखिए, यहां पे मैंने ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके डेटा में फर्क इसलिए पड़ रहा है, बताता हूं सुनिए, आपके डेटा में फर्क इसलिए पड़ रहा है कि आपने जो मैच में पूरा का पूरा रो लिया हुआ है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका मैच तो काउंट कुछ और दे रहा है, वो तो ब्लैंक को भी काउंट करके दे रहा है ना, समझिए फिक्स नहीं होगा सर, जब तक आप एक रेंज देना पड़ेगा फिर आपको यहां पे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि आप ऑफसेट को चाहिए नंबर, और मैच जो नंबर दे रहा है वो ब्लैंक को भी काउंट कर रहा है, और ब्लैंक को काउंट करने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने पूरा कॉलम दे रखा है। अब एक सिंपल सी बात को समझिए, सुनिए कि मैंने यहां पे एक बेसिक का मैंने बोला कि बेसिक मैच करके दो, ठीक है। तो बेसिक के लिए हमने यहां पे मान लीजिए मैच का फॉर्म लगाया, मैच को हमने इसको सिलेक्ट किया, और पूरा रो ले लिया, ठीक है। 6 नंबर आ गया ना। अब मैं अगर कहीं भी इसमें भी एक रो इंसर्ट करता हूं तो 7 हो गया, हो गया ना सर। या फिर मैं इसको स्टार्टिंग में ऐड करता हूं फिर भी 7 हो जाएगा, यही दिक्कत है सर। तो इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है कि जो मैच में हमने पूरा रो दिया हुआ है 2x2, उसके जगह पे सिर्फ अपना हेडिंग हम देंगे, ठीक है। तो 6 आएगा। तो इसमें होगा कि अगर इससे पहले कहीं इंस्टॉल होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बीच में किया तो चेंज होगा। जी हाँ, तो नहीं तब तो मेरा मेरी एग्जाम्पल लीजिए, मेरे एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मेरे एग्जाम्पल बस इतना ही करना पड़ेगा कि डेटा से पहले एक कॉलम ऐड करके स्ट्रक्चर बना देना है, बाकी आप जो चाहते हैं वही सेम चीज यहाँ पे आ रहा है। टेबल में कन्वर्ट करने पे नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो नया बैच का टाइम हो, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, कल मिलते हैं सेम टाइम। ये क्यों तो मना किया, कहाँ मना किया, बहुत ये वो बोला पैसा नहीं है, पैसा होगा तो पढ़ेंगे, तू कर ना, बात बाकी हम देख लेंगे।
person you're calling did not answer.